आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन। मैं बना रही हूँ अभी आलू के भजिए हैदराबादी इन माई स्टाइल, और प्याज की पकौड़ी हैदराबादी इन माई स्टाइल। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सोडा, लाल मिर्ची, अदरक लहसुन, पानी, कोथमीर, हरी मिर्ची ले लेंगे। बेसन ली हूँ मैं 1/2 किलो 500 ग्राम। उसके बाद मैं अदरक लहसुन का पेस्ट और सब डाल दी, इसमें भी सब डाल दी, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची सब डालने के बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर से मिक्स करूँगी। हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाली मैं, मतलब आधे ग्लास पानी, तो हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ मैं। ब्लेंड होकर तैयार है ये है आलू के भजिए का, और जो ऊपर है वो प्याज की पकौड़ी का। चलिए मैं आलू कट करके स्लाइस बना के रख ली हूँ, मतलब उसका जो छिलका रहता, कवर जो रहता, वो निकाल के सर राउंड शेप में बना के रखी हूँ मैं, मतलब पतले पतले स्लाइस। तेल गर्म हो चुका है, डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुछ अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मैसेज कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए यहाँ शेक ऑफिशियल को, यहाँ मुजीब ऑफिशियल, सॉरी। कैसे अच्छे से बने थे माशाल्लाह, बहुत टेस्टी थे। अब इसको मैं पलटा दी, मतलब टर्न कर दी, अच्छे क्रंची बन के रेडी है ये माशाल्लाह। फिर हम देखिए हम स्टार्ट करते हैं प्याज की पकौड़ी। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, पूरा बैटर सेम बनाना है, गरम मसाला प्याज डाल के अच्छे से मिक्स करके ऐसा डालना है। देखिए मैं वीडियो स्टार्ट कर दी थी पर प्ले नहीं हुई आई थिंक। माशाल्लाह ये भी अच्छी बनी थी, एक बार ट्राई करिए हैदराबादी पकौड़ी प्याज की इन माई स्टाइल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर। देखिए दही बड़े की भी रेसिपी है, सबकी है, जाके ट्राई करिए। अल्लाह हाफिज़, हमें रखिए।